मध्य प्रदेश के अधिकतर शहर कैमरा लैस हो चुके हैं, लेकिन लखनादौन शहर में आज दिनांक तक एक भी सार्वजनिक कैमरा नहीं लगाया गया है। इसके चलते लखनादौन के जागरूक नागरिकों ने ज्ञापन सौंपा, लेकिन ज्ञापन से प्रशासन ना तो जागा और ना ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों के कानों में अब तक जूं रिंग तीन नजर आ रही है। इसके चलते आज धरने के सातवें दिन संपन्न हुआ। इसी दरमियान गोंगपा के साथ जेएसयू ने पुरजोर समर्थन किया और कहा कि जब तक डटे रहेंगे तब तक संपूर्ण नगर के चौक चौराहा मुख्य मार्ग कैमरा लेस ना हो जाए। दूसरी ओर देखा जा रहा है कि इस मुहिम का समर्थन देने नगर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों से भी नागरिकों के साथ अन्य संगठनों का समर्थन मिल रहा है। अनशन पर निरंतर बैठने वाले मुख्य रूप से रंजीत पुरी गोस्वामी, राकेश यादव, कुंवर लाल नागेश, विजय यादव गोंगपा के जिला अध्यक्ष व पूर्व विधायक राम गुलाम उइके, विधानसभा प्रभारी सुक्कू बरकड़े, ब्लॉक अध्यक्ष गंगाराम भलावी के साथ जेएसयू और श्रीराम सेना संगठन के साथ अन्य जागरूक नागरिकों का आना जाना भी लगा रहता है और इस तरह से आंदोलनकारियों ने समस्त जिम्मेदारों पर नारेबाजी करते हुए उन्हें कोसा और कहा कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखेंगे। इस दौरान लखनादौन नगर में आज कैमरा लगाने की मुहिम को लेकर लोगों के जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई। साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन किया गया। और आपको बता दें कि योगेंद्र सिंह ठाकुर, विधायक लखनादौन का कहना है कि मांग जायज है, मेरे द्वारा सीएमओ लखनादौन को पत्र लिखा गया है।